कैट 2020 स्लॉट टू क्वेश्चन पेपर एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 56। सो ये इनइक्वालिटी मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है। इफ़ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव रियल नंबर सेटिस्फाइंग एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 102, देन द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ 2601 इंटू 1 प्लस 1 बाई एक्स इंटू 1 प्लस 1 बाई वाई। तो क्वेश्चन को हम दो तरीके से देखेंगे। पहले तो एक कॉन्सेप्ट होता है इनइक्वालिटी मैक्सिमम मिनिमम है कि यदि सम कांस्टेंट है, हाँ जी, यदि सम कांस्टेंट है और नंबर्स जो है वो रियल पॉजिटिव है, नंबर्स जो है वो रियल पॉजिटिव है और सम कांस्टेंट है, सम चेंज नहीं होगा, तो जो प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, जो प्रोडक्ट होता है वो मैक्सिमम निकलता है। कब मैक्सिमम निकलता है? प्रोडक्ट मैक्सिमम निकलता है व्हेन ऑल वैल्यूज आर इक्वल, व्हेन ऑल वैल्यूज आर इक्वल। सो ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर सम कांस्टेंट है तो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा तब होगा जब जब वैल्यू सारी इक्वल होंगी। हम एग्जांपल लेके इस बात को पहले समझ लेते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर सम सपोज ए प्लस बी का सम जो है वो 10 है, ठीक है, तो कई वैल्यूज हो सकती हैं, जैसे ये 1, ये 9 पॉजिटिव में, ये 2, ये 8। सम कांस्टेंट लेना है, सम 10 रखना है अपने को, 3, 7, 4, 6 या फिर 5, 5। लेकिन अगर हम इनमें प्रोडक्ट करके देखें, इन सब का यदि हम प्रोडक्ट करके देखते हैं, तो पहले वाले केस में प्रोडक्ट आएगा 9, दूसरे वाले केस में प्रोडक्ट आएगा 16, तीसरे वाले केस में प्रोडक्ट आएगा 21, फोर्थ वाले केस में प्रोडक्ट आएगा 24 और फिफ्थ वाले में प्रोडक्ट आएगा 25। तो यदि हम इसे ध्यान से देखें तो प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, देखो ये प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है और सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट तब है जब दोनों वैल्यू इक्वल हैं। व्हेन बोथ वैल्यूज आर इक्वल तो प्रोडक्ट मैक्सिमम है। तो यही रूल है कि प्रोडक्ट मैक्सिमम तब आएगा व्हेन ऑल वैल्यूज आर इक्वल। तो ये क्वेश्चन कैसे इसके ऊपर बेस्ड है वो देख लेते हैं। तो मेथड वन ये है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का पेपर में, कि हम इनइक्वालिटी मैक्सिमम मिनिमा लगाएं, जो अभी अभी कॉन्सेप्ट सीखा है, तो उससे करते हैं अगर इस क्वेश्चन को। तो 2601 इंटू 1 प्लस 1 बाई एक्स इंटू 1 प्लस 1 बाई वाई है। तो अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा 2601 इंटू 1 इंटू 1 प्लस आ जाएगा हमारा 1 बाई वाई प्लस आ जाएगा 1 बाई एक्स और प्लस आ जाएगा 1 बाय एक्स इंटू वाई, है ना। तो अब इस केस में यहाँ पे तो 2601 और ये हो जाएगा हमारा पर्टिकुलरली 1 प्लस। अब अगर यहाँ पे हम एक्स वाई अगर एलसीएम ले लें तो ऊपर हो जाएगा बेसिकली कि यहाँ पे आ जाएगा एक्स, यहाँ पे आ जाएगा वाई और यहाँ पे आ जाएगा 1। We can say it like this। तो अब एक बात बोली थी हमने कि अगर सम कॉन्स्टेंट है तो प्रोडक्ट मैक्सिमम तब होता है व्हेन वैल्यूज आर इक्वल। देखो x प्लस वाई तो 102 हमें गिवन है, तो पहले x प्लस वाई का वैल्यू यहाँ पे 102 पुट कर दो आप। तो 2601 ये हो जाएगा 1 प्लस 102 प्लस 1, है ना, डिवाइडेड बाय x इंटू वाई। तो सम यहाँ पे कॉन्स्टेंट है और इस प्रोडक्ट को, अच्छा इसमें अगर आप देखें तो हमें इसकी वैल्यू को मिनिमम करना है, ये वैल्यू हमें मिनिमम करनी है। तो अगर मुझे ये वैल्यू मिनिमम करनी है तो ये वैल्यू मिनिमम तब होगी जब इसका डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा, और डिनोमिनेटर मतलब प्रोडक्ट मैक्सिमम तब होगी जब ये दोनों वैल्यू इक्वल होंगी। तो अगर इनका सम 102 है तो दोनों वैल्यू इक्वल कब होंगी? जब दोनों ही 51-51 होंगी। तो आप पाएंगे 2601 यहाँ पे है, ये हो जाएगा 1 प्लस 103 इंटू 51 इंटू 51। क्यों दोनों को इक्वल क्यों लिया? क्योंकि प्रोडक्ट मैक्सिमम करनी है। प्रोडक्ट मैक्सिमम क्यों करनी है? डिनोमिनेटर को मैक्सिमम करना है। डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा तो वैल्यू ओवरऑल मिनिमम आएगी, है ना, और प्रोडक्ट मैक्सिमम तब होगी जब दोनों वैल्यू इक्वल हैं, यही हमारा कॉन्सेप्ट है। तो ये हो जाएगा 2601 और ये हो जाएगा 1 प्लस 103 डिवाइडेड बाय 2601। तो ये वैल्यू आ गई। तो इसे अलग अलग करके लिखते हैं तो ये आ जाएगा 2601 प्रोडक्ट करते हैं यदि, और प्लस में 103 बचेगा क्योंकि 2601 से 2601 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर होना चाहिए क्वेश्चन का 2704।
और यही क्वेश्चन का सही आंसर है 2704. दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो ये हो गया मेथड नंबर वन. बट मेथड नंबर टू बहुत आसान है, जो आपको पेपर में लगाते हैं बेसिकली. तो जो अभी अभी हमने क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन स्मिटरी बेस्ड क्वेश्चन है. अब स्मिटरी का क्या मतलब है वो आप इस मेथड से देखिए, मेथड नंबर टू से. तो बेसिकली स्मिटरी का मतलब ये है कि जैसे अगर आप सवाल में देखें, x प्लस वाई हमें 102 दिया हुआ है और हमें मिनिमम करना है 2601 इंटू 1 प्लस 1 बाय एक्स इंटू 1 प्लस 1 बाय वाई को. तो अगर आप ध्यान से देखें जो हमें मिनिमम करना है उसमें जो अभी मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ उसको बोलते हैं स्मिटरी. जो हमसे पूछा हुआ है उसको ध्यान से देखो, वो एकदम स्मिट्रिक है. अब स्मिट्रिक का क्या मतलब है? स्मिट्रिक का मतलब है जो हमसे पूछा गया है, अगर मैं उसमें x को y से इंटरचेंज कर दूं या y को x से इंटरचेंज कर दूं, क्या क्या क्वेश्चन हमारा चेंज होगा? देखो ये ध्यान से सुनो, अगर x की जगह मैं y लिख दूं जो हमसे पूछा गया है, और y की जगह अगर मैं x लिख दूं, क्या क्वेश्चन हमारा चेंज होगा? नहीं ना, वही होगा जो पूछा हुआ था. तो अगर ऐसा हो कि आप अगर वेरिएबल्स को आपस में इंटरचेंज कर दो तब भी क्वेश्चन की सेंस चेंज ना हो, तो उन्हें हम स्मिटरी बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं. और वहाँ पे हम अगर इंटरचेंज कर सकते हैं तो इन दोनों को इक्वल भी ले सकते हैं. तो अगर आप इन दोनों को इक्वल लोगे तो दोनों को आधा आधा मिलेगा, मतलब 51 इसको मिलेगा, 51 इसको मिलेगा. इसी से पता लग जाएगा कि हमें दोनों को कितना कितना लेना है. अगर सम 102 है तो आधा आधा 51 51 लेना है. और बस अब आप ये दो वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा. हमेशा आ जाएगा सर, हमेशा आ जाएगा. तो 2601 और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय 51, 1 प्लस 1 बाय 51 और ये भी हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय 51. तो अगर आप एलसीएम लोगे तो दिस कम्स आउट्स टू बी 52 बाय 51 और ये भी हो जाएगा 52 बाय 51. तो मैं आपको बता दूं, 52 का स्क्वायर होता है 2704. तो ये अगर आप निकालते हो और 51 का स्क्वायर आप निकालते हो तो 2601. तो 2601 से 2601 कट जाएगा और आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का 2704. और यही क्वेश्चन का आंसर है. तो दूसरा मेथड आप अपना सकते हैं जिसमें बस x और y को दोनों को 51 51 लेना है और आंसर आ जाएगा. सीधा आपको पुट करना है जो पूछा हुआ है और आंसर विद इन हाफ एन मिनट आ जाएगा. तो इस क्वेश्चन में इतना ही. 2704 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन.